नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। कल मेरी फोर्थ मैरिज एनिवर्सरी थी, इसीलिए मैंने स्पेशली केक बनाया था। सोचा आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूं। मैंने रवा मतलब सूजी का केक बनाया था। यह केक बहुत ही नरम और स्पॉन्जी बनता है और बहुत ही आसानी से बन भी जाता है। तो चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। 1.5 बाउल बारीक रवा लिया है, उसके हिसाब से हमने 1 कटोरी पिसी हुई शक्कर, 1 कटोरी दूध, आधी कटोरी दही और आधी कटोरी दूध की मलाई, 1/4 कटोरी घी, गार्निशिंग के लिए थोड़े से किशमिश और कट किए हुए बादाम लिए हैं। चलिए केक का बैटर बनाते हैं। पहले हम सूजी डाल देंगे, फिर पिसी हुई शक्कर। पहले सूजी और शक्कर को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दही, दूध की मलाई या फिर कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, घी। घी से हमारा केक नरम और स्पॉन्जी बनने में बहुत मदद होती है। पहले हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे, बाद में इसमें दूध डालेंगे। ध्यान रखिए, हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही दूध डालना है, जिससे कि हमारा बैटर ज़्यादा पतला नहीं हो। एक बात ये कि 1.5 कटोरी रवा का केक बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 1 कटोरी दूध तो लगता ही है, जिससे कि हमारा बैटर ज़्यादा पतला भी नहीं होता और गाढ़ा भी नहीं होता। केक बनाने के लिए हमें बैटर की एक पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है, तब तक कि हम इसमें दूध मिलाते हैं। देखिए, हमारा बैटर बन गया है। अब हम इसे सेट होने के लिए 20 मिनट तक ढक के रखेंगे। 20 मिनट हो गए हैं, देखते हैं हमारा बैटर। सूजी के फूलने की वजह से हमारा बैटर गाढ़ा हो गया है, तो चलिए हम इसमें थोड़ा सा दूध मिला लेते हैं और बैटर को थोड़ा पतला बना लेते हैं। बैटर की कंसिस्टेंसी सेट हो गई है। अब हम इसमें बाकी इन्ग्रीडियंट्स मिला लेते हैं। ये मैंने 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दिया है, इसे भी मिक्सअप कर लेंगे। कुछ किशमिश हम बैटर में डालेंगे और कुछ गार्निशिंग के लिए बचा के रखेंगे। अब हमारा पूरा बैटर बनके एकदम तैयार है। एक मोटा हैंडिलियम का पतीला लिया है, जिसमें मैंने 3 चम्मच घी डाला है। इसे अच्छे से हाथों से या ब्रश से ग्रीस कर लीजिए। हम इसमें थोड़े से किशमिश डाल लेंगे और फिर बैटर डाल लेंगे। बैटर डालने के बाद एयर बबल निकालने के लिए थोड़ा सा टैप कर लीजिए। अब हम इसे किशमिश और बादाम से गार्निश कर लेंगे। आप चाहे तो आधा केक पकने के बाद भी गार्निश कर सकते हैं। अब हम केक को बेक कर लेंगे। केक बनाने के लिए मैंने एक बड़ी कढ़ाई में 1 इंच जाड़ी इतनी बारीक रेत ली है। आप चाहे तो इसकी जगह नमक भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हम इसे बड़ी फ्लेम पर ढक्कन रख के 5 मिनट तक के प्रीहीट कर लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें हमारा केक वाला बर्तन रखेंगे। कढ़ाई गर्म होने की वजह से आपको बहुत ही ध्यान से बर्तन रखना है। केक को लीड से ढक लेंगे। ध्यान रखिए, हमें कोई भी केक बनाना हो तो एकदम लो फ्लेम पे ही बनाना है, ताकि केक बिल्कुल भी ना जले और अंदर तक अच्छे से पक जाए। 30 मिनट तक हम केक को ऐसे ही पकने देंगे। 30 मिनट हो गए हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि केक हमारा पकाया नहीं। यहाँ पे देखिए, केक के किनारे भी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें एक बार चाकू डाल के देखते हैं। इसको थोड़ा सा बैटर चिपक के आया है, इसका मतलब हमारा केक पूरी तरह से पका नहीं। हम फिर 15 मिनट केक को ऐसे ही पकने देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, फिर से एक बार हम इसमें चाकू डाल के देखेंगे। देखिए, इस बार हमारा चाकू एकदम क्लीन निकला है, मतलब कि हमारा केक अच्छे से पक गया है। अब हम बहुत ही ध्यान से हमारे पतीले को बाहर निकाल लेंगे और केक को कुछ देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। केक ठंडा हो गया है। अब हम चाकू की मदद से इसके किनारे अलग कर लेंगे। ऊपर से तो केक बहुत अच्छा दिख रहा है, अब देखते हैं नीचे से भी कैसा दिखता है। एक प्लेट लेके अपने बर्तन को जल्दी से उल्टा कर लीजिए और उसको टैप टैप करके केक निकालिए। देखिए, केक की बैक साइड ने भी बहुत ही अच्छा ब्राउनिश कलर ले लिया है, किशमिश भी अच्छे दिख रहे हैं। अब हम फिर से एक दूसरी प्लेट लेके इसे सीधा कर लेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छा 2 कलर केक बना है हमारा। आपको एक पीस भी कट करके बताती हूँ। देखिए, बहुत ही स्पॉन्जी और जालीदार केक बना है। सो लेट्स स्टार्ट द सेलिब्रेशन।
आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।